हेलो एवरीवन क्या हाल चाल भाई क्लास नाइन के बच्चों जल्दी से लाइव आ जाओ भाई एवरीवन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है ईशान मैं हूं आपका मैथ्स मिंटोर और मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में तो आप जानते ही हो बॉस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी पढ़ाई अवेलेबल कराते हैं हम ऑन आर यूट्यूब चैनल के टर गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको वीडियोस के फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं जल्दी से आ जाओ भाई हाँ यार वेट कर रहा हूं तुम लोगों का कौन कौन है भाई जल्दी से देख ले पढ़ाई करने वाले बच्चे कहा है भाई आई एम जस्ट 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 वेटिंग फॉर पढ़ाई करने वाले बच्चे <coughs> और हर्ष अरमान अंकित युवराज खुशी खुशी के खुशी अरे भाई क्या है लीसा गुड आफ्टरनून हर्ष गुड आफ्टरनून लीसा से गुड आफ्टरनून कर लो मुझसे कर लो भाई <laughs> हेलो अभी हेलो भाई उसका नाम ही अभी है वेरी गुड बहुत बढ़िया गुड <laughs> यार बढ़िया है वेरी नाइस nice, बहुत बढ़िया गुड आफ्टरनून अनामिका है गुड आफ्टरनून भाई निमा रितिक गुड आफ्टरनून हर्ष तो कैसे हैं आप लोग क्या बात है यार कैरी मिनाटी को याद कर लिया तुमने <coughs> हनीफ जी गुड आफ्टरनून अच्छा आ, रहने दो यार कोई बात नहीं पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है जल्दी से अपडेट कर दो भाई मुझे एक बारी वर्षा जी गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून सभी को हेलो यार सभी को बहुत 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 वेलकम सभी का वेलकम है दिल खोल के वेलकम सो so यार तसल्ली से अपन पढ़ेंगे है ना पढ़ाई करने आए हैं पढ़ाई करेंगे बढ़िया तरीके से लाइफ में हर एज एक काम के लिए फिक्स्ड होती है तुम्हारे लिए वो काम पढ़ाई है तो पढ़ाई कर लो जिस एज में जो काम करना चाहिए वही काम करो भाई इधर उधर ना भटको अच्छी चल रही है गुड यार वॉट इज योर नेम सर अरे भैया मुझसे नाम माई नेम इज खान खान नहीं ये भैया हमार नाम हमारा नाम ये है हमारा नाम ये है हमको सभी लोग इस नाम से पुकारते हैं ठीक है ये नाम आप लोग ले सकते हैं ठीक है दिस इज माई नेम एंड आई होप आपको अब आप मेरा नाम याद रहेगा तो चलो भाई चलते हैं आज के बढ़िया वाले सेशन की तरफ और देखते हैं क्या है आज के सेशन में आज हम डिटेल में जानेंगे सर डिटेल में जानेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में चैप्टर आपका ट्राइंगल्स है प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट वन इन डेप्थ एनालिसिस फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी बुक का बिल्कुल एक एक चीज घोल के पी जाएंगे तसल्ली से ठीक है

ए बी सी एन डी एफ ट्राइंगल बना लो बेटा ठीक है सर बना लिया ठीक है नाम लिख लो बेटा बी सी दिस इज डी ई एफ ठीक है सर सुनते जाना बेटा ए बी सी कोशिश करो कि इसका नाम अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो इसका भी नाम ऐसे ही लिखो बेटा डी ई एफ डी ई डन है बिल्कुल डन है सर ए बी सी डी ई एफ ठीक है सर हो गया ए बी इज इक्वल टू डी ओके भैया इक्वल के निशान लगा दो इक्वल के सिंबल्स लगा दिए बेटा ए इज इक्वल टू डी ए बी इज इक्वल टू डी सर लगा दिया इक्वल का सिंबल ए सी इक्वल ई एफ ए सी इक्वल ई एफ ए सी इक्वल ई एफ ओके कुछ समझ रहे हो कुछ समझ रहे हो थोड़ा सा खेल बिगड़ रहा है ठीक है सर नेम द टू एंगल्स फ्रॉम द टू ट्राइंगल्स दैट मस्ट बी इक्वल सो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट क्या बढ़िया वाला क्वेश्चन है यार देखो सुनो बहुत गौर से सुनना इन्होंने कहा नेम द टू एंगल्स फ्रॉम द टू ट्राइंगल्स दैट मस्ट बी इक्वल सो दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट होती कितने टाइप से सर ये होते हैं सबसे पहला होता है साइड 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 ऑल तो ये लास्ट में पढ़ाया जाता पर मैं ऐसे ही लिख रहा हूं दूसरा होता है सर साइड एंगल साइड इसको सैंडविच वाला बोलते हैं तीसरा होता है सर एंगल एंगल साइड ये भी सैंडविच वाला है चौथा होता है सर एंगल एंगल साइड बेटा इन दोनों में बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है एंड पांचवा होता है सर आर ठीक है सर आर राइट right. राइट एंगल हाईपोट साइड ये तब लगता है जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो अब सुनो मेरी बात गौर से सुनना सर दो साइड्स के पेयर एक्टिव है एक्टिव साइड्स क्या होती हैं? व्हाट आर एक्टिव साइड्स? एक्टिव साइड्स वो साइड्स होती हैं दो ट्राइंगल में जो इक्वल इक्वल दी हो मतलब सर क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दी है नहीं दी तो ये दोनों एक्टिव नहीं होंगी दिस इज नॉट एक्टिव दिस इज नॉट एक्टिव नहीं है एक्टिव ठीक है सर. सर क्या ए बी हाँ और e दिए हैं तो है, तो e. है? E है दोनों एक्टिव साइड है ठीक है भाई एक्टिव साइड ढूंढो. सर दूसरा एक्टिव कौन है दूसरा एक्टिव ये है देखो दिस इज इक्वल टू दिस तो ये दोनों भी एक्टिव साइड हुई ठीक है सर ये दोनों इक्वल है तो सर यहां और यहां हमने इक्वल के निशान लगा लिए ठीक है डन है बिल्कुल डन है सर अब सुनते जाओ मेरी बात बहुत गौर से सुनना मैंने मैंने तुमसे कहा कि यार दो देखो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड तो साइड हो गया दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड तो साइड हो गया अब सोचो ऐसी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है जिसमें दो साइड्स हो और एक, -एक एंगल मांगा उन्होंने टू ट्राइंगल्स टू एंगल्स फ्रॉम टू ट्राइंगल्स मतलब इन दोनों ट्राइंगल में से एक एक दो एंगल है एक साइड है जबकि हमें दो साइड चाहिए सर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है सिर्फ ये वाला सिर्फ ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो सकता है अगर हमें दो साइड इक्वल दिए हैं देखो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड का पेयर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड का पेयर हम समझ गए कि एक एंगल वो पूछ रहे हैं कि एक एंगल इससे एक एंगल इससे मतलब टू एंगल्स फ्रॉम टू ट्राइंगल्स दो एंगल्स चाहिए दोनों ट्राइंगल से दो दो एंगल्स नहीं दो एंगल एक इससे एक इससे अब वो एंगल कौन सा होना चाहिए सो so दैट ये दोनों ट्राइंगल हो जाएं कॉन्ग्रुएंट बहुत आसान है बहुत आसान है देखो हम समझ गए कि हमारी कंडीशन इसी से फुलफिल हो सकती है ना इससे क्योंकि यहां पर दो साइड तो है नहीं दिस इक्वल इक्वल दिस 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 साइड साइड आ आ गया this this आ गया दो साइड्स तो हमें चाहिए तीनों साइड्स नहीं ले पाएंगे क्यों नहीं ले पाएंगे क्योंकि सर एक एंगल पूछा तो ए तो रखना पड़ेगा इसमें तीनों साइड है गया इसमें दो एंगल्स हैं गया दो एंगल्स हैं गया आर एच एस तो हो गई नहीं बचा एस एस अब ये एस एस होता क्या है सुनो ये एस ई एस होता क्या है गौर से सुनना देखो बात समझना बेटा देखो दो साइड जहां मिल रही हैं दो एक्टिव साइड की बात कर रहा हूं मैं आई एम अबाउट एक्टिव साइड बेटा ये दोनों साइड एक्टिव है अगर मुझे इन इस पूरे ट्राइंगल को एस ए एस में कंफिग्योर कराना है एस ए एस में भैया सही से दिखाना है कि हाँ यार एस ए एस ये फॉलो कर सकता है तो साइड ये एक्टिव साइड ये एक्टिव साइड जहां मिल रही हैं वहां वाला एंगल और यहां एक्टिव साइड ये है बेटा देखो ये एक्टिव साइड है ये भी एक्टिव साइड है ना यहां एक्टिव साइड और एक्टिव साइड जहां मिल रही हैं ये वाला एंगल बेटा अपन को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कराना पड़ेगा तो हमारा आंसर है एंगल ए इक्वल एंगल ई एंगल ए इक्वल एंगल ई हमें चाहिए पड़ेगा सो so दैट हम सो so दैट हम साइड एंगल साइड से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएट करा सकेंगे बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई यस सर आगे कह रहे हैं नेम द टू एंगल्स फ्रॉम द टू ट्राइंगल नाम भी बता दिया हमने ठीक है गिव रीजन फॉर योर आंसर आंसर का रीजन मतलब है इस दोनों को इन दोनों को अब अपन को कॉन्ग्रुएंट करा के दिखाना पड़ेगा ठीक है सर इसको हटाते हैं आगे चलते हैं ठीक है, है? चलो मान लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है हमारा आंसर है हमारा आंसर तो हमने बोल दिया कि एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल ई क्योंकि एक ऐसा एंगल है जो एक्टिव साइड्स के बीच में आ रहा है ये E जो एंगल है, एक्टिव साइड के बीच में आ रहा है इन्हीं दोनों साइड से बन रहा है वो एंगल सैंडविच वाली कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं इसको दो साइड्स जिस एंगल को बनाए वो एंगल इक्वल होने चाहिए दोनों ट्राइंगल में <coughs> ये दोनों साइड्स इन दोनों साइड से इक्वल है ये दोनों साइड एंगल ए बना रहे ये दोनों साइड एंगल ई बना रहे तो ए और ई का इक्वल होना जरूरी है तब एस एस लग पाएगा ठीक है सर तो चलो मान के चलते हैं अपन को ये दोनों इक्वल दिए हैं अब आप अपन इन दोनों ट्राइंगल को कराते हैं लाइन लिखेंगे इन एंड अब सुनना नाम बहुत तमीज से लिखना बेटा नाम बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करना देखो मैंने इसका नाम बी ए सी, मैं ए एंगल तक गया तो ई पर आऊंगा बीच में ए एंगल है तो यहां बीच में ई होगा ठीक है मैं गया बी से ए की तरफ जिस पे डबल डैश है डबल डैश है डी से ई e की तरफ डी से ई e की तरफ तो ई एफ e आएगा इसका नाम डी एफ ठीक है सर डन एस एस का क्राइटेरिया फॉलो कराना है तो भैया एस ए एस का अपन बना लेंगे फॉर्मेट एस ए एस का अपन ने फॉर्मेट बना लिया साइड इक्वल साइड कराओ अब बड़े आराम से करा लेंगे अब तो सर अब तो बड़े आराम से करा लेंगे देखो देखो भाई Hmm. देख ना ए बी इज इक्वल टू ई डी है ना इस वाले एंगल से इस वाले एंगल से ए बी तो इससे ई e, डी ठीक है सर ए बी इक्वल ई डी ए बी इज इक्वल टू ई डी सर गिवन ब्रैकेट में लिखो हमें गिवन है ठीक है नेक्स्ट 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 ए इस पर्पल वाले एंगल ए से सी इस पर्पल वाले एंगल ई e से एफ है ना ए सी इक्वल ई एफ यहां लिखेंगे बेटा ए सी इज इक्वल टू ई एफ दिस इज ऑल्सो गिवन ये भी हमें दी गई थी ब्रैकेट क्लोज अब बेटा इन दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है वो एंगल ए है जो इक्वल है किससे इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल ई e. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई e. ये क्या है अजम्पशन ये हमने अज्यूम किया है ठीक है हमने अज्यूम कर लिया हमने अपने आंसर में करा ये इक्वल होगा

और आगे चल के क्लास टेंथ में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स इनमें ट्राइंगल्स के नाम बहुत नाप तोल के लिखने पड़ते हैं नाम का बहुत बड़ा गेम है ठीक है तो दिस इज आर क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीटेड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू इसमें हमने एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से डिटेल में बेटा सीख लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी में मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है चल हम्म hmm. गुड आफ्टरनून रोशन चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन ठीक है चलो भाई सर इसका जल्दी से क्लीन एंड क्लियर करो सो दैट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े इसको क्लीन कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डीई एफ बनाओ भैया दो ट्राइंगल्स लीजिए सर दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी एफ ठीक है सर ओके दिस इज ए बी सी ए बी सी इसको डी ई एफ ऐसे लिखेंगे डी ई एफ ठीक है देखेंगे फिर अलाइनमेंट चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है डी ई एफ डन ठीक है सर जो जो इक्वल दो बेटा वो वो मार्क करो इक्वल ठीक है चलो एंगल इक्वल एंगल डी एंगल ए इक्वल एंगल डी डन है यस yes, सर एंगल बी इक्वल एंगल ई

ए कॉन्ग्रुएंसी कौन सी सर ए एस ए बताता हूं सुनो कॉन्ग्रुएंसी के टाइप्स जल्दी से लिखेंगे दोबारा से साइड 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 दूसरा साइड एंगल साइड क्या सर साइड एंगल साइड एस एस तीसरा एस ए चौथा फोर्थ वन एस पांचवा फिफ्थ वन आरएचएस ठीक है अब मेरी बात सुनो बहुत गौर से सुनना अच्छी अच्छी बात बोल रहा हूं मैं ठीक है द द थिंग थिंग इज इज ये जो दिख रहा है ना आपको सैंडविच वाला ये दोनों सैंडविच वाले कहलाते सैंडविच वाली कॉन्ग्रुएंसी कहलाती बोलो क्यों दो साइड से बनने वाला बीच में जो एंगल बेचारा फंस जाता है वो भी एक्टिव होगा वो भी इक्वल होगा सर दो एंगल्स जिन साइड्स पे बनते हैं वो साइड भी एक्टिव होगी इक्वल होगी अब ये एस यहां काम आएगा सर यहां पर हमें ए एस ए से काम लेना है तुम्हें ए ऐसे सिखाता हूं अच्छे से ए एस ए अच्छे से सिखाता हूं ठीक है चलो सुनते हैं ना ओके okay. बात नंबर एक बात नंबर एक क्या है सर बात नंबर एक ये है कि सबसे पहले तुम्हें दो दो एंगल्स इक्वल दिए दो दो एंगल्स ठीक है सर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल ठीक है सर और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल ठीक है सर ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए मतलब एंगल और एंगल दो एंगल के सेट तो आ गए सर ठीक है दो एंगल के सेट तो आ गए ठीक है आप सुनते जाना मेरी बात देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिए तो इन दोनों ने क्या करा एंगल बना लिया है ना एंगल है दोनों एंगल है तो ए लिख दिया सर ये एंगल और ये है। है? ये एंगल दिए गए ठीक है? दोनों भी एंगल और बना रहे तो सर दो एंगल तो मिल गए एंगल, एंगल. अब एंगल किस में आ में? सर तो इनमें आ, इन आ रहे देखो एंगल और इसमें आ रहे एंगल, 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 में अब सुनो मेरी बात गौर से सुनना ठीक है तुम्हें डिफरेंस बताना है मेरा काम है कि मैं तुम्हें इन दोनों में डिफरेंस बताऊं एंगल एंगल साइड देखो ये दोनों ट्रायंगल्स कोंग्रूएंट नहीं हो सकते है ही नहीं ये कोंग्रूएंट अब मैं बता रहा हूं क्यों सुनना होता क्या है कि यहां पर एक्टिव साइड का खेल है अब अब एक्टिव साइड का खेल है और तुम्हें पहचानना है फिगर तुम्हें पहचानना है पोजीशन सुनो दोनों एंगल जिस साइड पर बनी है वो साइड एक्टिव है यहां क्या बोल रहा हूं मैं दोनों एंगल एंगल ए और एंगल बी जिस साइड पर बने साइड ए बी ये साइड एक्टिव है दिस इज एक्टिव एक्टिव मतलब ये इक्वल इक्वल दी है मैं फिर बोल रहा हूं दिस इज एक्टिव है ना समझ में आ रही है बात यस सर एंगल ए और एंगल बी जिस साइड पर बनी है उसका नाम है ए बी और वो ए बी एक्टिव है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव एक्टिव का मतलब है ये ए बी इक्वल दी गई है इस ट्राइंगल के किसी साइड से ठीक है तो जिस साइड पर दो एंगल्स बने हो दोनों एक्टिव हो तो इस टाइप की कॉन्ग्रुएंसी को बोला जाता है एस ए मतलब दोनों एंगल उसी साइड पर बने हो जो साइड एक्टिव दी गई है समझ रहे हो ना ए. बिकॉज दिस इज ए और ये किस साइड पे? ए बी पर जो एक्टिव है ए एंगल एस ए तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है ए ऐसे कैसा दिखता है ए ऐसे कुछ ऐसा दिखता है जैसे ये है ये और ये इस तरह से दिखता है सर ठीक है सर कैसे दिखता है यहां पर ये एंगल एक्टिव होगा मतलब इक्वल दिया होगा किसी ना किसी ट्राइंगल में दूसरे तरफ ये एंगल एक्टिव होगा आपको इक्वल दिया होगा ये दोनों एंगल जिस साइड पर बन रहे हैं ये साइड भी एक्टिव होगी तो ये बनाएगा ए एंगल देखो एंगल साइड एंगल ए तो सर ये ट्राइंगल फॉलो कर रहा है ए एस ए वाला क्राइटेरिया अब उसकी बात कर लेते हैं ठीक है सर <coughs> अच्छा ये दोनों एंगल्स जो हमें इक्वल दिया एक्टिव है ये इसके इक्वल है तो ये एक्टिव है ये एंगल इसके इक्वल है तो ये एंगल भी एक्टिव है एक्टिव है ना बेटा हाँ सर एक्टिव है अब ये दोनों एंगल जिस साइड पर दिए क्या वो भी एक्टिव है जैसा यहां था सर ये दोनों एंगल्स ये दोनों एंगल डी और ई साइड डी ई पर बने हुए हैं साइड डी ई पर बने हुए हैं है ना साइड डीई पर बने हुए हैं क्या डीई एक्टिव है नहीं सर डीई एक्टिव नहीं है डीई एक्टिव नहीं है यहां तो है. यहां तो ई एक्टिव है वो साइड थी जो दो एंगल्स को बनाने में मदद कर रही थी इसी साइड के ऊपर एक तरफ एंगल ए था एक तरफ एंगल बी था और साइड ए बी भी एक्टिव थी ये वाला क्राइटेरिया बन रहा था पर यहां पर एंगल एंगल और फिर साइड तो यहां एंगल एंगल साइड बन रहा है साइड इन दोनों के बीच में नहीं है समझ गए एंगल एंगल हां अगर इसके इक्वल ये दी होती ये ये दी होती तो सर मजा आ जाता फिर हम कहते कि सर ये वाला ट्राइंगल भी एंगल साइड एंगल फॉलो कर रहा है जबकि यहां पर बेटा एंगल 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 साइड फॉलो हो रहा है तो यहां पर सर ए एस ए फॉलो हो रहा है यहां सर एंगल एंगल साइड का पैटर्न बन रहा है यहां पैटर्न ये है यहां पैटर्न ये है दोनों पैटर्न सेम नहीं होते हैं तो वी विल से दैट बोथ ऑफ द ट्राइंगल इज नॉट ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है भाई गेटिंग माई पॉइंट यस और नो हम्म समझ में आ गई बात क्लियर है ना समझ में आना चाहिए बस ठीक है सर ओके चलिए भाई <coughs> चल, तो भैया बात क्लियर हो गई होगी आपकी इज इट क्लियर टू एवरीवन कि एंगल साइड एंगल यानी कि ए एस एंड ए एस ये दोनों टोटली totally डिफरेंट है इनके पैटर्न में डिफरेंस है इनके बनावट में डिफरेंस है याद रखिएगा ठीक है एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बढ़िया सा जवाब देना ठीक है जवाब देना। I just want to hear answers from you. जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है भाई वो तो जवाब देगा ही देगा है ना चलो देखता हूं मैं आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं ठीक है सब कुछ मैनर्स पे डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा एक्स वाई जेड पी क्यू आर ठीक है बच्चा गौर से सुनिएगा एक्स एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल पी एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल क्यू और दिस इज इक्वल टू दिस बच्चा बताओ कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है एस ए या ए एस दोनों कॉन्ग्रुएंट है किस पैटर्न से कॉन्ग्रुएंट है जल्दी से बता दो बॉस जल्दी से बता दो ये दोनों ट्राइंगल किस पैटर्न से कॉन्ग्रुएंट है बेटा एट क्या एट एएस नहीं भैया सारी जी नहीं ए एस नहीं है ओके चलो मैं कराता हूं ठीक है हाँ बिल्कुल सही एस ए बिल्कुल सही एक बच्ची ने सही आंसर दिया बच्ची है या बच्चा मैं ध्यान नहीं है सुनो भाई सुनो 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 सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो अच्छे से बिल्कुल सेम सेम लग रहा देख देखना <coughs> देखो सर ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल ये एंगल बन गया ठीक है सर ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड ठीक है भैया दिस वाला एंगल इज इक्वल टू दिस वाला एंगल तो भैया एंगल साइड एंगल बन तो रहा है देखो 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 बताता हूं रुक जाओ सर दिस एंगल एक्टिव है दिस एंगल एक्टिव है एंगल्स इक्वल है दिस इज इक्वल टू दिस ठीक है सर ठीक है इक्वल है ओके दिस एंगल इज एक्टिव दिस एंगल इज एक्टिव क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है अब ये दोनों एंगल किस साइड पे बन रहा है सर साइड एक्स वाई सॉरी एक्स जेड ठीक है ये दोनों एंगल किस पर बन रहे हैं बेटा पी के ऊपर पी के ऊपर सर एक्स जेड जो साइड है जो एक्स एंगल और जेड एंगल बना रहे हैं जो एंगल्स दोनों के दोनों एक्टिव एंगल्स है ठीक है गेटिंग माय पॉइंट यस और नो यस सर बात कर रहा हूं मैं इस एंगल की दिस इज एंगल बात कर रहा हूं मैं दिस एंगल की दिस इज एन एंगल और बात कर रहा हूं मैं इन दोनों से बनने वाली साइड जो इन दोनों को इन दोनों एंगल को सपोर्ट दिए तो ए एस ए ठीक है सर डन ठीक है सुनना बात कर रहा हूं मैं इस एंगल की दिस इज एन एंगल जो एक्टिव एंगल है बात कर रहा हूं मैं दिस एंगल की जो कि एक एक्टिव एक एक एंगल है इन दोनों एंगल को बनाने वाली साइड पी क्यू यह भी एक्टिव है ये भी इक्वल दी है तो यहां भी ए ऐसे फॉलो हो रहा है तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर और सिमिलर नहीं यार सॉरी कॉन्ग्रुवेंट ठीक है कॉन्ग्रुएंट समझ में आ गई बात यस सर आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये रहा बेटा जल्दी से समझते हैं इस क्वेश्चन को भी सो व्हाट इज दी थर्ड क्वेश्चन इन ट्राइंगल एबीसी एंड सर जल्दी से एबीसी और पी क्यू आर बना दो लीजिए सर एबीसी पी क्यू आर ठीक है डन सर जल्दी से इनका नामकरण कर दो भाई दिस इज ए बी सी दिस इज पी क्यू आर पी क्यू आर ठीक है ए बी सी है ना इसका नाम भी ऐसे लिख दो देखो मैंने नाम लिखा ऐसे ए बी सी तो तुम भी ऐसे लिखो पी क्यू आर ठीक है सर लिख दिया रिटर्न अब जो इक्वल है भाई मार्क करो एक्वल क्यू एंगल और एंगल क्यू इक्वल है कोई बात नहीं ठीक है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू नेक्स्ट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर ठीक है नेक्स्ट विच साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ठीक है इसको बाद में इसको वहां शिफ्ट कर लेते हैं देखते जाना वो कह रहा है ऐसी कौन सी साइड लेनी है ट्राइंगल पी क्यू आर की ट्राइंगल ए बी सी के एबी के इक्वल मतलब मुझे ए बी के इक्वल कौन सी साइड लेनी चाहिए ये या फिर ये या फिर ये मुझे ए बी के इक्वल इस ट्राइंगल में कौन सी साइड लेनी चाहिए सो so दैट दोनों ट्राइंगल हो जाए कॉन्ग्रुएंट तो तुम लोग बताओ जल्दी से देखू मैं चैट बॉक्स में तुम लोग में से कितने आंसर देते हैं <coughs> कौन सी लेनी चाहिए बताओ कौन सी साइड लेनी चाहिए ए ऐसे नहीं साइड बताओ साइड क्यू आर देखते हैं बिल्कुल सही क्या बात है बिल्कुल सही सर सबसे पहले इन्होंने जो हमको दिया है हम उस चीज पर ध्यान से देखेंगे इन्होंने कहा एक तो ये अपन को एंगल इक्वल दिया है इससे ये एक्टिव एंगल है ये एक्टिव एंगल है, ये एक्टिव एक्टिव एंगल एंगल है है और ये साइड इन्हें एक्टिव करने को कहा है कि भैया ए बी एक्टिव होगी यहां तो ए बी है ही ए बी के हिसाब से यहां बताओ कौन सी साइड होगी ये क्वेश्चन है हमारा तो सर ये जो ए बी है ना दिस इज गिविंग सपोर्ट ये सपोर्ट दे रही है किसको सपोर्ट दे रही है दोनों एक्टिव एंगल्स को दोनों एक्टिव एंगल्स को ये साइड ए बी सपोर्ट दे रही है मतलब ये ए बी एंगल ए बना रही है जो एक्टिव है ये ए बी एंगल बी बना रही है जो एक्टिव है तो अगर ऐसी साइड ली गई है यहां जिस पर दोनों एक्टिव एंगल्स बन रहे तो यहां पर भी हम ऐसी ही साइड लेंगे जिस पर दोनों एक्टिव एंगल बन रहे हो एंगल ए के बराबर में एंगल क्यू है ठीक है सर एंगल ए के इक्वल में एंगल क्यू है ठीक है सर अब एंगल बी के बराबर में एंगल आर है सर ठीक है सर अब बात ऐसी है कि ए और बी दोनों एक्टिव हैं इस ट्रायंगल में तो साइड ए भी ली गई क्यू और आर एंगल क्यू और एंगल आर एक्टिव हैं इस ट्रायंगल में तो साइड क्यू आर ली जाएगी इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग बेटा जितना अच्छा बैलेंस करोगे उतने अच्छे से सीख पाओगे समझ में आ गई बात तो हमारा आंसर है ए बी मस्ट बी टेक इन इक्वल टू क्यू आर ए बी मस्ट बी टेक इन इक्वल टू क्यू आर अच्छा क्यों करना चाहिए कौन सी टाइप की कॉन्ग्रुएंसी बनेगी सर ये भी देख लेते हैं विच टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी विल हैपन सर देख लेते हैं. देखो ये क्या है सर एक्टिव एंगल है ठीक है इसके इक्वल में ये है तो यहां पर एक्टिव एंगल लिख देते हैं ए स्टैंड फॉर एंगल ठीक है सर ठीक है फिर ये क्या है सर एक्टिव एंगल है ये भी एक, एक एक्टिव एंगल है तो सर यहां पे लिख देते हैं अपन एंगल ठीक है एंगल और एंगल ठीक है दिस इज इक्वल टू दिस दिस इज इक्वल टू दिस ठीक है इन्होंने जो दो एंगल जिस साइड पे बन रहे ए बी उसी को उन्होंने एक्टिव करा दिया इक्वल बोला कि भैया ये इक्वल होनी चाहिए इस ट्रा की किसी साइड से तो ये हो गया साइड और ये बीच में इसलिए रखी जाएगी बिकॉज दोनों एंगल्स इसी साइड पर बन रहे हैं बॉस

एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल चलो कॉन्ग्रुएंट कराते हैं गिव रीजन फॉर योर आंसर चलो नाम लिखते हैं सर नाम का भी बड़ा नाम का भी काम है बेटा इस ट्रायंगल का नाम तमीज से और ढंग से लिखना पड़ेगा चलो पी से नाम शुरू करते हैं पी क्यू आर पी से मैंने नाम शुरू किया जिस पे कोई एंगल का निशान नहीं है मैं Q पर आया जिस पे डबल एंगल का निशान है बेटा पी क्यू आर बोला मैंने इन ट्रायंगल पी क्यू आर सर गौर से सुनिएगा और यहां पर हम बोलते हैं जैसे मैंने पी क्यू आर बोला पी पे कोई निशान नहीं है यहां पर एंगल सी पे निशान नहीं है एंगल सी पे कोई सिंबल नहीं है कोई भी मार्क नहीं है तो सी से शुरू होगा पी से मैं गया क्यू पे पी क्यू पे डबल निशान है तो डबल एंगल का निशान यहां है सी तो इसका नाम होगा सी बिल्कुल बैलेंस करके नाम लिखना पड़ेगा ये तुम अच्छे से गांठ बांध लो ठीक है चलो सर अब बारी है

ठीक है डन यस सर अब Q और R से बनने वाली लाइन QR आर ठीक है सर Q और R एंगल जो एंगल लिए है वो साइड अपन ने क्यू ले ली A और B से बनने वाली साइड ए बी जो ए बी उन्होंने ऑलरेडी बताई है ठीक है ये कैसे ये हमारा अजम्पन है हमने अज्यूम कर लिया है ठीक है आंसर में हमने अज्यूम कर लिया सो so भैया क्या होगा इसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा वी विल बी राइटिंग वेरी 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 गुड लाइन क्या है सर बाय एस एंगल फोर एंगल रूल बाय ए रूल वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर कॉनग्रुएंट लेकिन नाम का काम है बॉस पी क्यू आर पी से शुरू करा तो सी बी ए गलत हो जाएगा सी बी ए नहीं क्यू गया क्यू डबल पे तो डबल पे जाना पड़ेगा सी ए बी ठीक है तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुए टू ट्राइंगल सी ए बी एंड हो गया अपना परफेक्ट रीजन ठीक है सर क्वेश्चन थ्री इज कंप्लीटेड जल्दी से कॉपी करो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर नाउ ठीक है <coughs> चलो भाई हम्म मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इरेस कर रहा हूं मैं फोर्थ इसी टाइप के क्वेश्चन सीख रहे हैं अपन जिसमें हम एक्चुअली जो पैटर्न ऑफ दी कॉन्ग्रुएंसी हमें करानी है इतने 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 तरीके से उनका पैटर्न क्या है पहचानेंगे कैसे देखकर यही सीखना है आज का टारगेट ही यही है अपना ठीक है सर इन एंगल एबीसी एंड पी क्यू आर एंगल इक्वल टू एंगल क्यू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर बना भैया एबीसी और पी क्यू आर दिस इज ए बी सी दिस इज पी क्यू आर ठीक है सर ओके दिस इज ए ए के बाद मैं यहां आ रहा हूं बी फिर यहां आ रहा हूं सी तो यहां पी इसके बाद यहां आऊंगा क्यू और यहां आऊंगा आर पी क्यू आर डन है सर बिल्कुल डन है सुनते तो ना ए इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है जल्दी से लगाओ भाई ए इज इक्वल टू क्यू सर एंगल ए दिस इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू नेक्स्ट बी इज इक्वल टू आर सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ठीक है प्रीवियस वाले जैसे ही है ठीक है विथ साइड ऑफ द ट्राइंगल साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बीसी ए बी सी की साइड बी सी ये तो दे दी है बस ए बी सी की साइड बी सी ये तो दे दी है बॉस ये बी सी बोल दी इनने हम पहले इस इसमें तो कंप्लीट कर दिया उनने अब हमें यहां से ढूंढ के निकालना है कि इस साइड इस ट्राइंगल में बी सी के इक्वल कौन सी साइड ली जाए क्यू आर आर पी या पी क्यू सो दैट दोनों सफलतापूर्वक कॉन्ग्रुएंट हो जाए चलो सर सोचते हैं देखो पहले हम कोशिश करते हैं सर यहां से ग्रेस्प करने की यहां से क्राइटेरिया खींचने की जो क्राइटेरिया यहां से खींचेगा वो यहां लगा देंगे चलो देखते हैं गौर से सुनो सर ये एंगल इक्वल है है ठीक दिस इज एन एंगल एक्टिव एंगल है है ठीक एक्टिव बोले तो इक्वल दिया हो जो दिस इज इक्वल टू दिस तो ये एक्टिव है ये भी एक्टिव है ठीक है सर फिर ये वाला एंगल इक्वल है यानी एक्टिव एंगल है ठीक है सर क्या दोनों एंगल को जोड़ने वाली लाइन ए भी एक्टिव है नहीं है सर यहां तो बी सी दी है यहां एबी एक्टिव नहीं है ए बी इज नॉट गिवन एक्टिव ये ये एक्टिव बीसी इज एक्टिव तो सर एंगल एंगल के बीच में अगर ये साइड आ जाती अगर ये एक्टिव होती तो एस ए बन जाता पर फिलहाल ये एक्टिव नहीं है एस फ्लॉप एंगल साइड एंगल क्योंकि साइड है ही नहीं गई वाली एक्टिव नहीं है साइड इक्वल दी नहीं गई इसको लेना ही नहीं है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ ठीक है सर तो इसके बाद अपन एंगल से एंगल पे आए अब एंगल से अपन यहां मुड़ गए तो यार बीसी एक्टिव है बीसी तो साइड है तो अपन को साइड मिल गई एंगल एंगल साइड समझे क्या हाँ सर तो यहां हमारा क्राइटेरिया जो फिक्स हो गया दैट इज एंगल एंगल साइड बात क्लियर है यस और नो जल्दी से बता दो भाई एंगल एंगल साइड का क्राइटेरिया भाई हमने कर लिया फिक्स हमें समझ में आ गया कि हाँ यार खेल पूरा एंगल एंगल साइड का है ठीक है सर पहला वाला ट्राइंगल जिसमें चीजें दी गई हैं इक्वल उसमें एंगल एंगल साइड का गेम है तो चलो भाई उसका एंगल एंगल साइड का अपन गेम करते हैं ठीक है सर चल गौर से सुनना इजी है क्वेश्चन टफ नहीं है <coughs> सॉरी देखो सर ये है अपना एंगल नंबर लेट से एंगल नंबर वन ये है एंगल नंबर वन इसकी इक्वल कौन है ये है तो सर इसकी जगह लिख देंगे एंगल नंबर वन ठीक है सर ये एंगल वन है ये एंगल वन है फिर ये आया सर एंगल नंबर टू तो इसके बाद सर इसके इक्वल कौन सा दिया बी पे सर बी पे एंगल ये दिया तो ये हो जाएगा एंगल नंबर टू एंगल इक्वल एंगल एंगल इक्वल एंगल इसके बाद यहां से नीचे आए नीचे से सरक गए और साइड आ गया यहां से साइड में गए साइड के बाद खिसक गए तो भैया साइड आ जाएगा आर पी हमको इक्वल लेना पड़ेगा यह है हमारा आंसर आर इज योर आंसर मैं बता रहा हूं क्यों सुनो बताता हूं सुनो सुनो सर अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना थोड़ा सा टिल्ट कर दू इस प्रकार बना दू लो लीजिए देखो हो गया काम एंगल 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 वन एंगल वन ठीक है सर एंगल टू एंगल टू ठीक है सर अब बी सी लेनी थी इन्होंने कहा बी सी लो भैया ठीक है बीसी अरे भाई बिल्कुल अब तो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly चीजें नजर आ रही हैं देखो एंगल एंगल क्यू ठीक है सर एंगल बी इक्वल एंगल आर ठीक है सर कितनी ज्यादा कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें दिख रही हैं उसके बाद बी सी इक्वल आरपी हो गया सॉल्व बी सी के इक्वल क्या लेना पड़ेगा आरपी लेना पड़ेगा दैट सेट समझ में आ गई बात थोड़ा सा आप मुंडी घुमाओ समझो कि अगर हम बीसी को ले रहे हैं तो यहां बी सी के जैसा इस ट्राइंगल में आर पी है भैया आर पी है बी पे डबल डैश डबल वाले निशान है यहां पे डबल निशान आर पे है बी से सी लेनी है सी जिसपे कोई निशान नहीं है आर से पी ले लो जिसपे कोई निशान नहीं है तो हमारा आंसर है कि हमें बी सी इज इक्वल टू आर पी लेना पड़ेगा दिस इज योर फर्स्ट आंसर ठीक है ंगल पी क्यू आर शुड बी टेकिन टू इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी पी क्यू आर की आपको साइड आर पी लेनी पड़ेगी बिकॉज यहां पर ट्राइंगल जो फॉलो कर रहे हैं दैट इज एंग एंगल साइड वाली क्राइटेरिया बात क्लियर है यह सोनो बात क्लियर है यह सोनो जल्दी बता दो <coughs> ठीक है सर ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन देखते हैं आगे क्या माजरा है चलो भाई. ठीक है गिव रीजन फॉर योर आंसर बोले तो जल्दी से इसको वो करो कॉन्ग्रुएंट करो भैया चलो कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं ठीक है इसको इरेज करो इसको इरेज करो इसको क्लियर कर दो भाई साफ सुथरा बना दो ठीक है हमने अज्यूम कर लिया सर क्या अज्यूम कर लिया हमने अज्यूम कर लिया कि ये वाली साइड जो बीसी हमें इक्वल लेनी है वो हमें आरपी की इक्वल लेनी है और हमने ये इक्वल ले भी ली ठीक है सर शुरू करो भाई चलो भैया सर जी शुरू करते हैं ट्राइंगल का नाम लेके सबसे पहले ट्राइंगल का नाम बहुत इज्जत और बहुत तमीज के साथ बहुत बैलेंसिंग के साथ अगर मैं इसका नाम ले रहा हूं ए बी सी मैंने ए से नाम शुरू करा जहां पर सिंगल एंगल का निशान है ये डबल वाले एंगल का निशान है सिंगल एंगल का निशान क्यों से है ए तो फिर शुरुआत क्यू से होगी फिर ए से मैं बी पे आया जिस पे डबल निशान है क्यू से मैं आर पे जाऊंगा ए बी सी क्यू आर पी ठीक है बैलेंसिंग बहुत जरूरी है ए बी सी एंड ट्राइंगल एगल क्यू आर पी ट्राइंगल क्यू आर पी बात क्लियर है यस सर क्लियर है चलो भाई शुरू करते हैं अपन कॉन्ग्रुएंसी uh, समझ तो हम पहले बेटा कि ये एंगल ये एंगल, एंगल वन और ये एंगल वन है ना दिस इज एंगल वन एंगल वन ठीक है सर ये इक्वल दिए ना अपन को इसको लिख लेते हैं एंगल वन ठीक है डन दिस इज एंगल वन दिस इज एंगल वन लेट मी जस्ट राइट ठीक है फिर दिस इज एंगल टू दिस इज एंगल टू ये दोनों एंगल बन रहे हैं ए बी पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं क्यू आर पर ये और ये दोनों एक्टिव नहीं है इसलिए ए एस ए नहीं बन पाएगा ठीक है तो एंगल एंगल के बाद साइड में खिसक जाओ बी सी एंगल एंगल के बाद साइड में खिसक जाओ पी तो ये अपन को साइड मिल जाएगी अपन को साइड मिल जाएगी ठीक है सर तो एंगल इक्वल एंगल एंगल इक्वल एंगल साइड इक्वल साइड यह गाड़ी कुछ ऐसी चलेगी एंगल एंगल साइड यह गाड़ी कुछ ऐसी चलेगी एंगल एंगल साइड ठीक है चलो सर शुरू करते हैं स्टार्ट राइडिंग दी नेम्स और प्रॉपरली एंगल एंगल, एंगल साइड क्राइटेरिया को फॉलो करा के हम इन दोनों को कॉन्गोवेंट करा देते हैं चलो सर दिस इज एंगल इक्वल एंगल क्यू इक्वल एंगल क्यू गिवन ब्रैकेट में लिखा सर गिवन नेक्स्ट एंगल बी इक्वल एंगल आर ठीक है सर नेक्स्ट सर ए हो गया एंगल बी हो गया उसके बाद बीसी क्यू हो गया एंगल आर हो गया उसके बाद आरपी इज इक्वल टू आरपी ये हमने अज्यूम किया दिस इज आर अजम्पन ना हमने करेक्ट आंसर ऐसा अंदाजा नहीं लगाया हमने एग्जैक्टली exactly आंसर बताया अपना सो वॉट वी कैन दिस वी कैन से दैट वी कैन से एस रूल ऑफ ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस हाँ भाई ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी That's it. लो हो गया काम तमाम ठीक है क्वेश्चन फोर डाउन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव ना चलो भाई पानी पी लू यार जरा hmm. आराम से यार आराम से मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव आई रेजिंग दिस क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा बेटा जल्दी से पढ़ो गौर सुनीगा। गौर सुनीगा। गौर सुनीगा। ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल टू ट्राइंगल सुनिएगा गौर सुनिएगा दो ट्राइंगल है चलो नाम दे देते हैं बच्चों इसका नाम है ए बी सी ठीक है

इस वाले के इक्वल है ठीक है एंड an एन एंगल इसका एक एक एंगल, एंगल इसके के इक्वल है बात सुनते जाना देखो दो साइड्स और एक एंगल दो साइड्स और एक एंगल दो साइड्स और एक एंगल का सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बनता है एंड दैट इज एस एस मैंने क्या बोला सुनो आपको दो साइड दे दिए गए और एक एंगल दे दिया गया इन तीनों की मदद से आप जो करेक्ट एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बना सकते हो वो इस एंगल को बीच में रखते यानी एस ए एस इसके अलावा आप इन तीनों लेटर्स का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं बना सकते एंगल साइड साइड नहीं होता है साइड साइड एंगल नहीं होता है साइड एंगल साइड ही होगा दिस इज दी परफेक्ट एंड वैलिडेटेड क्राइटेरिया ये वैलिड है ये वैलिड है एस ए एस इज वैलिड अब मेरी बात सुनो मैंने आपसे कह दिया कि भैया इसके दो साइड्स इस ट्राइंगल के दो साइड से इक्वल है आपने दिस 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 इक्वल 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 कर कर दिया दिया अब मैंने कहा आपसे इस इस का का एक एक और एंगल है ठीक है आपने ये वाला कर दिया बेटा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल या चलो बैलेंस करने के लिए इस एंगल को दे देते हैं लो अब बताओ क्या ये सिमिलर है चलो चेक कर लेते हैं सर चलो चेक कर लेते हैं ठीक है लेट अस चेक इट आउट ठीक है सर ये हो गया एंगल है ना दिस इज एंगल इक्वल एंगल एक एंगल इक्वल है ठीक है ये साइड एक्टिव है बेटा दिस साइड साइड इज एक्टिव एक्टिव ये है ठीक है सर तो इसमें हमने लिख दिया साइड एस साइड ठीक है सर फिर आगे गए तो ये एंगल बी और एंगल क्यू एक्टिव नहीं है फिर आगे मुड़े तो ये साइड मिल गया तो ये हो गया साइड ये हो गया साइड ये, ये दोनों एक्टिव है तो सर ए एस एस ए एस एस या तो आप ऐसा पढ़ लो तो ये आएगा ए एस एस है ना एंगल साइड साइड ये नहीं होता ये नहीं होता दिस इज नॉट वैलिड ठीक है या फिर आप ऐसे पढ़ लो एस एस ए एस एस ए ये भी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं है एस एस ए एस एस ए यह भी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं है तो सर बात समझना मेरी सर बात ऐसी है कि इन्होंने बस इतना कह दिया कि दो साइड इस ट्राइंगल के दो साइड इस ट्राइंगल के इक्वल हैं एक एक एंगल एक एक इक्वल है अब ये एंगल कोई सा भी हो सकता है इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने बस इतना कह दिया कि दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल एक एक इक्वल है तो ये इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन है दिस इज एन इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन अपन क्या बोलेंगे द इंफॉर्मेशन इज इनकंप्लीट और इस इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते तो आप क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे इंफॉर्मेशन अबाउट इक्वल एंगल्स इज इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट इक्वल एंगल्स इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट इक्वल एंगल्स इज इनकम्प्लीट इज इनकंप्लीट ठीक है सर जो इंफॉर्मेशन हमें एंगल्स की दी गई है इक्वल एंगल्स की वो इनकंप्लीट है भैया वो एंगल कहां वाले इक्वल है अगर ये कहते अगर ये कहते एंगल बिटवीन द इक्वल साइड्स ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है ये दोनों के बीच वाला एंगल अगर ये कहते इन दोनों के बीच वाला ये दोनों एंगल अगर कहते ये तो बेटा ये कॉन्ग्रोएंट हो जाता साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड अगर ये कहते लेकिन इन्होंने बस इतना कह दिया कितना कह दिया सर इन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि भाई साहब दो ट्राइंगल में दो दो साइड्स और एक एक एंगल एक इक्वल है अब भैया कौन सा एंगल इक्वल है आप बताओ तो हम तो कोई भी एंगल इक्वल ले लें दिस एंगल इक्वल टू दिस ले लें ले भाई है ना दिस एंगल इक्वल टू दिस ले लें तो तो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट है ना तो अपन क्या बोलेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन गिवेन अबाउट इक्वल एंगल्स इज इनकम्प्लीट ड्यू टू विच ड्यू टू विच ड्यू टू विच द टू ट्राइंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट इज नॉट कंपल्सरी ड्यू टू विच वी कैन नॉट से ड्यू टू विच वी कैन नॉट से दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दैट द गिवेन टू ट्राइंगल्स दैट दू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हम नहीं कह सकते आर कॉन्ग्रुएंट ठीक है डन सर okay, अगर हमें दो साइड्स इन दोनों ट्राइंगल की इन दोनों ट्राइंगल में दो दो साइड्स इक्वल दी है तो साइड्स तो आप कहीं भी मार्क कर लो दिस इक्वल दिस इकौल, दिस इक्वल दिस लेकिन एंगल का अगर आपने प्रॉपर पता नहीं दिया एंगल का प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि दोनों ट्राइंगल क्या सेम टाइप की कॉन्ग्रुएंसी को कर रहा है फॉलो या नहीं बात समझ में आ गई यस और नो भाई यस सर आ गई ठीक है चलो डन है कि नहीं है डन बिल्कुल डन है सर हाँ अगर ये कह देते कि भैया ये गौर से सुनिएगा अगर ये कह देते कि यार ये जो आपने साइड इसके इक्वल ली है ये जो आपने साइड इसके इक्वल ली है इन दोनों साइड के बीच में आने वाला एंगल इन दोनों साइड के बीच में आने वाले एंगल से इक्वल है तो एस एस बन जाता एस इक्वल एस साइड इक्वल साइड साइड इक्वल साइड इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल इक्वल होता तो साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड एस एस यहां फॉलो हो जाता यहां कॉन्ग्रुएंसी हो जाती अगर ये एंगल का परफेक्ट एड्रेस दे देते दे, तो फिलहाल एंगल का परफेक्ट एड्रेस नहीं दिया गया है चेरी जी हेलो भाई क्या कर रहे करोगे यार हेलो सर हेलो सर हेलो सर ठीक है डन चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन देखते हैं सर नेक्स्ट में क्या रखा है क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं चलो इरेस्ड दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स गौर से सुनना ट्राइंगल बनाओ यहां ट्राइंगल बना लो ठीक है अब इसमें यह कहा गया कि सर ट्राइंगल का नाम भी लिख लो यार ए बी सी पी क्यू आर अब सुनो मेरी बात टू एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल एंड अ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल एंड अ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल सुन रहे हो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सच में आर <coughs> इक्वल टू the be मस्ट बी this इज दिसमेंट ट्रू नो दिस इज नॉट ट्रू अगेन मैं बताता हूँ क्यों सुनो मैं उल्टा ही सोचता हूँ। अब सुनो सर इस ट्राइंगल के दो एंगल्स और इस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल दिए ठीक है दोनों एंगल्स इक्वल कर लो सर चलो इसको इसके इक्वल कर लेते हैं और सर इस वाले एंगल को अपन इसके इक्वल कर लेते हैं ठीक है डन कर लिया एंड अ साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल सुनो दो एंगल्स है ना सर साइड नहीं बताई हमने इस बारी सुनो जब दो एंगल्स होते हैं आपके पास जब आपके पास दो एंगल्स होते हैं इक्वल इसमें तो आपको क्राइटेरिया चुनना पड़ेगा एक ऐसा जिसमें दो एंगल आ रहे हो और एक साइड आ रही हो तो यार या तो ये तो आप ऐसा बना सकते हो ए एस ए या तो आप ऐसा बना सकते हो या फिर आप बना सकते हो ए एस इन दोनों में से आप दोनों में से कोई भी कॉन्सी चेकआउट कर सकते हो सुनना <coughs> अब हमसे कहा गया गौर से सुनिएगा इजली समझ में आ जाएगा हमसे कहा गया कि दो एंगल्स दो एंगल्स इक्वल है एक एक साइड इक्वल है साइड इनने एक्सैक्टली बताई नहीं कौन सी लेने जो एक चीज इक्वल बताते ना दो देखो दो एंगल दो एंगल इक्वल है तो एंगल की लड़ाई नहीं है लड़ाई है साइड की पिछले वाले क्वेश्चन में लास्ट वाले क्वेश्चन में दो साइड्स दो साइड्स इक्वल थी तो लड़ाई साइड्स की नहीं थी एक एंगल इक्वल दिया था दोनों दोनों में तो एंगल के बारे में चलो यहां पर मैं इस वाली साइड को इस वाली साइड से इक्वल कर दू। तो बस इतना कहा कि यहां और यहां दो दो एंगल यहां की एक साइड और यहां की एक साइड इक्वल है अब साइड कौन सी है बताया ही नहीं तो हम तो कोई सी भी ले सकते लो भैया ये ले लो लो भैया ये ले लो हो सकता है ये ले ले अगर ये ले लिया दिस इक्वल दिस तो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्टेट है देखो अगर यहां ले लेते हैं यहां तो ये यह हो जाएगा बेटा एंगल है ना एंगल एंगल ठीक है ये हो जाएगा सर एंगल है ना बिटा? एक्टिव एंगल है ना बेटा एक्टिव एंगल और एक्टिव एंगल यस सर और बेटा इन दोनों एक्टिव एंगल से बनने वाली साइड ए बी एक्टिव है तो ये साइड इन दोनों एंगल को बनाने वाली साइड पी क्यू अगर एक्टिव है तो साइड तब जाके ये ASA, ASA से बनते परफेक्टली कॉन्ग्रुए पर ये तब होता जब हम थोड़ा सोच समझ के इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल लेते तब इन्होंने दिया ही नहीं है इन्हें तो बस इतना कह दिया कि भैया दो दो एंगल और एक एक साइड इक्वल है तो एक एक साइड इक्वल है जनाब जो इक्वल साइड है वो तो बता दो प्रॉपरली कायदे से नहीं समझे नहीं समझे समझ गए समझ गए ना ठीक है ठीक है तो बात ऐसी है. द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द इक्वल साइड इज नॉट गिवन द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज देयर कि भैया इक्वल साइड कौन सी है अब देखना मान के चलो बेटा मान के चलो <coughs> ये वाला ले, ले लेते हैं मान के चलो ये वाली साइड इसके इक्वल दे ले अपन तो अब ए एस से दोनों हो जाएंगे यस yes, हो जाएंगे देखो देखो एंगल एंगल और इसके बाद अपन मुड़ गए तो यहां आ गई साइड एंगल एंगल और इसके बाद अपन मुड़ गए तो यहां आ गई इक्वल साइड तो ए एस ए एस तब हो जाएगा लेकिन ये हमने कब ये हमने सोच समझ के मार्क किया ना हमने एग्जैक्टली exactly सोचा मैंने सोचा दिमाग में क्या कि यार ये दोनों एंगल है तो बगल वाली साइड ले लू अगर मैं ये दोनों एंगल इक्वल है बगल वाली साइड ले लू अगर मैं तो मजा आ जाएगा समझे समझे अब देखना अब जैसे मैं ये वाली साइड ले लू इसके ये लो ये वाली साइड ले लू इसके इक्वल तो क्या अब होगा ए एस नहीं होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा बताता हूं सुनो 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 एंगल इक्वल एंगल पी एंगल बी इक्वल एंगल क्यू अगर एंगल एंगल के बाद साइड आ रही डबल एंगल वाले के बाद साइड आ रही तो डबल एंगल के बाद ही साइड आनी चाहिए ध्यान रखो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट समझ रहे हो बात को भाई सिंगल एंगल के बाद सिंगल एंगल सिंगल एंगल का मतलब ये एक लाइन ये एक लाइन जो बनाई मैंने ठीक है ये एक लाइन तो दिस इक्वल दिस दिस इक्वल दिस अगर इसके बाद ये साइड आ रही है तो इसी के बाद आनी चाहिए थी तब एंगल एंगल साइड बोल सकते थे या फिर इसको हटाओ अगर ये नहीं होती ये इक्वल दी होती ये दिस इक्वल दिस तो ये अब सही है एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड तो हो जाता समझे तो भैया बात ऐसी है कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना जरूरी है अबाउट द इक्वल साइड बिकॉज हमें क्राइटेरिया पैटर्न फॉलो कराना पड़ता है बात समझे क्या बात समझे कि नहीं समझे भाई यस yes, तो बात ऐसी है कि जो इक्वल साइड है उसकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो अपन क्या लिखेंगे इन द गिवन क्वेश्चन In the given question, the information about the equal side in both the triangles, the information about the information about the equal sides, the information about the equal sides in both the triangles. इन बोथ ट्राइंगल्स दोनों ट्राइंगल्स में जो इक्वल साइड लेनी है दिस इक्वल दिस या दिस इक्वल दिस या जो भी हो इन बोथ द ट्राइंगल्स इज नॉट कंप्लीटली गिवन इज नॉट कंप्लीटली पूरी तरह से दी नहीं गई है पूरी इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए इज नॉट कंप्लीटली गिवन पूरी इंफॉर्मेशन के भैया हो, हो गया अब जो साइड इक्वल लेनी है इन दोनों तो मजा आ जाए पर हां अगर उनने अपने दिमाग के ऊपर छोड़ दिया कि तुम्हारे ऊपर है तुम ले लो तुम तो बनाओ बस कौन कराओ हो सकते हैं क्या हाँ तो अपन कह सकते हैं हाँ, फिर तो हो सकते हैं अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ भैया आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ हमने तो ये ये चीजें दे दी अब आपको इन दोनों ट्राइंगल में जो दो दो एंगल इक्वल लेना है वो ले लो और जो एक एक साइड इक्वल लेनी है वो ले लो और बताओ कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या तो अपन कह देंगे हाँ होंगे लेकिन इन होने का मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट होने ही चाहिए तो हर कंडीशन में नहीं होंगे गेटिंग माई पॉइंट तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया हाँ अगर वो कहें कि भैया जो दोनों में इक्वल साइड लेनी है बोलो तो अपन पता क्या ले लेंगे अपन यहां ले लेंगे अपन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड ले लेंगे और इससे क्या बन जाएगा बेटा इससे बन जाएगा ये बीच में साइड आ जाएगी और ये बीच में साइड आ जाएगी इससे बन जाएगा ए एस ए ए एस ए ये वाला ठीक है और अगर ये नहीं लेना है और अगर ये नहीं लेना है तो फिर अपन कौन सा लेंगे बेटा फिर अपन अपन ees बना देंगे aas कैसा a a s फिर अपन ये वाला इक्वल aas ये वाला इन दोनों को इक्वल करा देंगे सर bc is equal to qr तो ये हो जाएगा एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड है ना अगर ये नहीं कराना है तो ऊपर वाला करा सकते हैं देखो देखो एंगल एंगल साइड दिस एंगल एंगल साइड तो इन दोनों को भी अपन इक्वल करा सकते हैं अगर ये हमारे ऊपर हंड्रेड परसेंट छोड़ दिए नाउ गो एंड कॉन्ग्रुएंट देम बाय योरसेल्फ आप अपने अकॉर्डिंग इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कराओ ठीक है भाई आगे चलते हैं मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इसको इरेज करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये is it possible to construct a triangle with length of its side as this 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 तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा एक रूल है जो अब तो जाने क्या आप क्या है आपको जानना चाहिए लेकिन एक रूल है एक लॉ है रूल है थ्योरम में आप कुछ भी कह सकते हो क्या क्या है रूल सर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में गौर से सुनना इन अ ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल ठीक है सर इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन दर्ड साइड यह आपको पता है क्लास एट में भी पढ़ा होगा आपने सम ऑफ एनी टू साइड सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज हंड्रेड परसेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दर्ड साइड ग्रेटर देखो बेटा अपन से कहा गया कि एक ट्राइंगल बना उसमें एक साइड है फोर एक साइड है थ्री सेंटीमीटर एक साइड है सेवन सेंटीमीटर लो भाई बना दिया ट्राइंगल ठीक है ध्यान देना जरा ठीक है सर अपन ने लिख भी दिया यहां पर एबीसी लीजिए सर हमने लिख दिया बेटा ए ठीक है एक साइड है 4 3 ऐसे ही लिख दो रैंडमली लिख दो 4 3 और ये 7 सेंटीमीटर ठीक है हमने ये तो लिख दिया अब हमसे पूछा गया कि भैया बताओ क्या ये ट्रायंगल सच में बन सकता है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट क्या ये कंस्ट्रक्शन किया मतलब ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है बनाना जिसके तीन साइड जितने इतने इतने दिए हों नॉट पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये जो रूल है ना ये रूल ये ट्रायंगल जो है ये जो जो, जो जो चीजें दी गई हैं वो फॉलो नहीं कर रहा दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म क्यों सुनो सर मान के चलो हम दो साइड एड कर दें और seven. हम फोर और सेवन एड कर दें ठीक है अब ये ग्रेटर देन थर्ड साइड आएगा इससे बड़ा आएगा ये थ्री देखो भैया इलेवन इज ग्रेटर देन थ्री ये बात तो सही है ये तो सही है आया सर है ना दिस प्लस दिस इस ग्रेटर देन थ्री एनी टू साइड्स ऐड एनी टू साइड्स इट विल बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड मेजरमेंट ऑफ टू साइड्स चलो अब करते है जर, चलो हैं हाँ, सर है, सेवेन है, है. है. है और थ्री सेवेन प्लस थ्री विल बी ग्रेटर देन फोर चलो देखते हैं सेवेन प्लस थ्री विल बी ग्रेटर देन फोर सेवेन और थ्री स्टैंड टेन इस ग्रेटर देन फोर हा� थ्री प्लस फोर इन दोनों का सम मस्ट बी ग्रेटर देन सेवन आया सेवन सेवन सर ये तो गलत है 7, 7 से ग्रेटर थोड़ी ना इक्वल है ये ये तो गलत आ गया ये बड़ा आना चाहिए था इस नंबर से द सम ऑफ दीज टू साइड इज नॉट कमिंग ग्रेटर देन दी थर्ड साइड गलत अपन क्या बोलेंगे लास्ट में नो दिस ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म नो is it possible to construct no it is not possible no it is not possible to construct such triangle no it is not possible to construct such triangle of given measurement of given sides 3 centimeter फोर सेंटीमीटर एंड फाइव एंड सेवन सेंटीमीटर क्योंकि ये ये वाला रूल ये वाला थ्योरम फॉलो नहीं करा रहा है चलो भाई डन डना डन, डन डन जल्दी से बंद करते हैं सेशन एंड आई होप आपको बढ़िया तरीके से सारी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अभी मैं बंद कर रहा हूं ताकि क्लोजिंग स्लाइड लगा सकूं चलो भाई तो फाइनली वी आर एंडिंग द सेशन आज का सेशन मुझे उम्मीद है कि कई बच्चों को अच्छा लगा होगा बिकॉज मैंने डिटेल में एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड तीन तरह की कॉन्ग्रुएंसी बहुत डिटेल में अपन ने आज डिस्कस कर ली है अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना और अपने दोस्तों को शेयर करना इस सेशन का लिंक उनको बताओ भाई मैग्नेट ब्रेन पे बढ़िया वाली पढ़ाई चल रही है टेंशन नहीं लेने का जीशान सर इज देयर मैग्नेट ब्रेन इज देयर बढ़िया पढ़ाई करो बिकॉज हमारे पास के दैट इज ट्वेल्वर गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक ऑल दी क्लासेस ऑल दी सब्जेक्ट पूरा पूरा सिलेबस इन द फॉर्म्स ऑफ वीडियोस बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपके लिए अरेन्ज है फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे वीडियोज देखो अच्छे से पढ़ाई करो तरक्की करो और अच्छे से रिजल्ट में अपना स्कोर बढ़ाओ देखो बेस्ट चीज जो होती है ना माँ बाप को जो खुशी मिलती है वो मिलती है अपने बच्चे की प्रोग्रेस से अगर आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल देखना चाहते हो तो यार उनके लिए मेहनत करो है ना अच्छे मार्क्स लाओ उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय अच्छे मार्क्स अच्छी पढ़ाई के अच्छे से पढ़ो मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है कोई पैसा नहीं कोई कॉस्ट नहीं सब कुछ बढ़िया तरीके से हंड्रेड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है इसी तरह से आप भी बढ़िया आगे बढ़ते रहो ठीक है इसी के साथ अगर आपको कोई भी कोई भी डाउट हो तो डाउट सेशन आपके लिए लगा दिया जाएगा आपको सिर्फ एक चीज बतानी है कि आपका डाउट क्या है कमेंट्स में बता देना ठीक है बेटा मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड करता है के ट्वेल्व के सारे वीडियोज दैट इज फॉर क्लास किंडर गार्डन से ट्वेल्व सी बोर्ड एम बोर्ड बिहार बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड बढ़िया तरीके से सारे वीडियोज कंप्लीटली देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन टिल देन हैप्पी लर्निंग टेक केयर बाय